नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर अब एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एटीएस की टीम है जो है वो भागलपुर में जांच कर रही है। जांच के दौरान जो है वो मलबे को खंगाला जा रहा है। वहीं मलबे को खंगालने के दौरान एक व्यक्ति की क्षतिग्रस्त की अवस्था में एक लाश भी मिली है। भागलपुर में हुए बम धमाके की जांच अब एटीएस की टीम कर रही है। घटनास्थल में बम निरोधक दास्ता और एफएसएल की टीम ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा है। वहीं मामले की जांच के लिए जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंचे और साथ ही जो भी इसमें लिप्त थे उनसे बातचीत भी की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जो इस मामले के अपराधी है उनके घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं थे। पहले आप सुनिए कि वहां के पुलिस ने क्या कुछ कहा है। सर, इतनी रात 2 बज रहा है और आप मौके पर हैं। यहाँ पर काजवरी चक में जो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ से हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस पड़ोस में एक गुड्डू मंडल उर्फ अशोक मंडल नाम का व्यक्ति भी ये काम करता है और उसके यहाँ पे भी पटाखे बनाने का सामान और बारूद रखा हुआ है। तो अभी उसके यहाँ तलाशी हुई है। उसका बहनोई का यहाँ बगल में घर है, उसके यहाँ भी तलाशी हुई है। तो दोनों जगह पे पटाखे बनाने का बारूद और अन्य सामग्री मिली है। घर पे सब लोग फरार हैं ताला मार के। तो इसमें ये सूचना सही निकली है और यहाँ से बरामदगी के आधार पर इनके खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में, और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कराई जाएगी। कुल कितने घरों में छापेमारी की गई है? 2 घरों में यहाँ पर अभी तलाशी हुई है। टीम ने 2 घरों में बरामदगी की है। कौन नाम क्या है उनका? मेन इसमें गुड्डू मंडल उर्फ अशोक मंडल है। इसके पिता गयानंद पहले काफ़ी पुराने टाइम में पटाखा निर्माण करने के पास लाइसेंस था, जिनकी डेथ हो गई थी 2008 में। बताया जा रहा है कि डेथ हुई थी एक्सप्लोजन में ही। और इनका एक यहाँ बहनोई रहता है, उसके यहाँ पे भी तलाशी हुई। कुछ आपराधिक हिस्ट्री भी है क्या गुड्डू की? गुड्डू का आपराधिक हिस्ट्री अभी पता लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो बहनोई है उसकी आपराधिक हिस्ट्री है, उसको पहले से भी केस में नाम है। हिरासत में कितने लोग हैं अभी? अभी हिरासत में तो नहीं मिला है यहाँ कोई, क्योंकि सब लोग घर से भागे हुए थे पहले से। सर, अभी और अन्य जगह छापेमारी की जाएगी? सर, जैसे जैसे सूचना आएगी, जहाँ जहाँ की भी सूचना आएगी वहाँ सब कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर कि इसका जो है पुलिस की जो कदम है वो सफलता की ओर इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है? अभी इस मामले में जितने भी जो भी नेटवर्क है यहाँ माल सप्लाई करने वाला, या फिर आगे जहाँ ये लोग बना के देते हैं, या फिर शहर में अगर और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ अवैध रूप से पटाखा बनाते हैं, ऐसे सब लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। छापेमारी में किनको लगाया, कौन सी टीम थी इसमें? जिला पुलिस के साथ में BDS की टीम लगी हुई है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है। वहीं भागलपुर SSP की माने तो इस मामले में अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है। भले ही वो लोग अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल मलबे से जो बॉडी मिली है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि वो बॉडी किसकी है। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट से पूरा बिहार जो है वो दहल चुका है कि किस तरीके से बम बनाने का काम जो है वो भागलपुर में चलते आ रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। और एक हादसा जो है वो किस तरीके से विकराल रूप ले लेता है, लेकिन पुलिस जो है वो सोते हुए रह जाती है। अभी देखना है कि इस मामले में क्या कुछ जो है वो नए खुलासे निकल के सामने आते हैं। आगे इस तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।